हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से पलवल के रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाने तथा नूह के गांव घासेड़ा में स्टेच्यू ऑफ हारमनी स्थापित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को भी सर्व भारत गर्व भारत पर्व भारत की भावना से जन आंदोलन के रूप में मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह सुझाव नई दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की चौथी बैठक के दौरान व्यक्त किए थे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को वर्तमान हरियाणा में स्थित पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। फिर स्वतंत्रता उपरांत 1947 में 19 दिसंबर को गांधी जी ने स्वयं नूह जिला के घासेड़ा गांव में आकर मेव समुदाय को भारत में विस्थापित न होने के लिए राजी किया था। इस दौरान घटनाओं की याद में पलवल के रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन बनाने तथा घासेड़ा में स्टेच्यू ऑफ हारमनी स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया है। देखिए, 10 अप्रैल 1919 को जो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी जो हुई थी वो पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसके बाद में वो महात्मा गांधी जी दोबारा मेव बाहुल्य घासेड़ा में भी पहुँचे थे, वहाँ पर भी उनकी यादगार है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भी मांग की है कि हेरिटेज स्टेशन घोषित किया जाए पलवल को। तो ये अच्छी मांग है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से जो चिट्ठी लिखकर जो मांग की है वो एक अच्छी मांग है। पलवल के लिए भी एक ऐतिहासिक स्थल होना चाहिए, तो ऐसे में उनकी जो मांग है ये बहुत जायज है। और पलवल की जनता भी चाहती है कि हेरिटेज स्टेशन बनाया जाए। महात्मा गांधी यहाँ पहली गिरफ्तारी देते हैं तो ऐतिहासिक क्षण तो था ही।